हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हरप्रीत पटेल आज आपको अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना आज का विषय। पहला प्रश्न है, भारत के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें कॉमनवेल्थ गेम 2018 में गोल्ड मिला? ए मीराबाई चानू हैं, बी मनु भाकर हैं, सी बबीता फोगाट जी हैं, या डी अनीस भानवाल जी हैं। तो इसका ऑप्शन सही है डी, अनीस भानवाल जी हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष है। इन्होंने 25 मीटर रैपिड पिस्टल फायर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में पहला पदक भारत के लिए किस खिलाड़ी ने जीता? ए राहुल अवेयर, बी बबीता फोगाट, सी सुशील कुमार, या डी मनु भाकर। इसका ऑप्शन सही है ए राहुल अवेयर ने फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में पहला पदक जीता भारत के लिए। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम 2018 में भारत के लिए मुक्केबाजी में किस महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? ये पहला पदक है मुक्केबाजी में भारत के लिए। तो पहला ऑप्शन है सूरज बाला देवी ने, दूसरा एमसी मैरी कॉम ने, तीसरा पिंकी देवी ने, या चौथा निखत जरीन ने। इसको जीता है बी, एमसी मैरी कॉम ने पदक जीता है। अगला प्रश्न है, धौलरा में 5000 मेगावाट सोलर पार्क बनाया जाएगा। धौलरा कहाँ है, किस राज्य में है? ए गुजरात में है, या बी मध्य प्रदेश में है, या सी राजस्थान में है, या डी महाराष्ट्र में है। यह है गुजरात। इसका ऑप्शन सही होगा ए, धौलरा गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सोरस्टीन पत्रकारिता पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला? ए रवीश कुमार को मिला, बी सिद्धार्थ वरदराजन को मिला, सी के मलेश्वरी को मिला, या डी सुधीर चौधरी को मिला। ये मिला है सिद्धार्थ वरदराजन। ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक में सबसे बड़े प्लवक पादुकों का अध्ययन कौन करेगा? ये स्पेस एजेंसियां हैं। पहली स्पेस एजेंसी है नासा, दूसरी इसरो, तीसरी सीएनएसए, चौथी जाक्सा। ये करेगी नासा। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में सबसे बड़े प्लवक पादपों का अध्ययन करेगी। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक वृद्धि दर किस देश की होगी एशिया में? इसका पहला ऑप्शन है चाइना, दूसरा भारत, तीसरा पाकिस्तान, चौथा श्रीलंका। तो एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2018-19 में सबसे अधिक वृद्धि दर किस देश की होगी एशिया में? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, भारत की वृद्धि दर सबसे अधिक होगी। ये एशियाई विकास बैंक ने बताया है चालू वित्त वर्ष 2018-19 में ये होगी 7.3%। अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का दूसरा खिलाड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी जिसने पहली रैंकिंग पाली? इसका पहला ऑप्शन एच एस प्रणय, दूसरा किदांबी श्रीकांत, तीसरा सानिया मिर्जा, या चौथा सानिया नेहवाल। तो ये पहली रैंकिंग मिली है किदांबी श्रीकांत को। किदांबी श्रीकांत को पहली रैंकिंग मिली है और एच एस प्रणय को 11वीं रैंकिंग मिली है। 11वीं रैंकिंग मिली है यानी एच एस प्रणय को। और इससे पहले प्रकाश पादुकोण, जो दीपिका पादुकोण जी के पिता हैं, उनको पहली रैंकिंग मिल चुकी है। इसीलिए ये किदांबी श्रीकांत दूसरे नंबर के भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको पहली रैंकिंग मिली है। इसीलिए इसका ऑप्शन सही है बी। और जब प्रकाश पादुकोण थे तब जो रैंकिंग बनाई जाती थी वो विदाउट कंप्यूटर के होती थी, और जो इस समय बनाई जाती है वो कंप्यूटर के माध्यम से ऑल वर्ल्ड पे बनाई जाती है।
अगला प्रश्न है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी किस देश की हथियार बनाने वाली कंपनी है? ए रूस की है, बी अमेरिका की है, सी फ्रांस की है, या डी ऑस्ट्रेलिया की है? ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी बी अमेरिका की है हथियार बनाने वाली, ये भारत में जेवेलिन मिसाइल बनाएगी। जेवेलिन मिसाइल का भार 22 kg का होता है, ये पोर्टेबल नेविगेशनल सिस्टम पे कार्य करती है और ये बहुत ही इसका अचूक निशाना होता है और ये अपने लक्ष्य को बड़ी आसानी से भेद देती है। और लॉकहीड मार्टिन कंपनी भारत में F-16 विमान को भी बनाएगी। तो ये जो जेवलिन मिसाइल और F-16 विमान है, ये दोनों भारत में अब लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाएगी। अगला प्रश्न है, इंडिया एक्सपो 2018 कहाँ आयोजित हुआ? ए चेन्नई में, बी बेंगलोर में, सी इंदौर में, या डी गुजरात में? ये आयोजित हुआ ए चेन्नई, तमिलनाडु में। तो ये क्यों आयोजित हुआ? इंडिया एक्सपो 2018 चेन्नई में आयोजित हुआ, इसका उद्घाटन हमारे पीएम जी ने किया था और इसमें इंडिया भी इंडिया के मित्र मित्र नहीं कह सकते हैं, मित्री कहिए, चाइना को भी आमंत्रित किया गया। चाइना जो है वो इसलिए आमंत्रित किया गया कि जो चाइना और भारत के बीच 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, उस पर जो चाइना उथल पुथल करता रहता है, उसकी उसको ये दिखाना है कि भारत कमज़ोर नहीं है, इसीलिए डिफेंस डिफेंस सिस्टम को दिखाया गया है। इस इंडिया एक्सपो 2018 चेन्नई में आयोजित करने का मेन मकसद है चाइना को ये दिखाना कि भारत कमज़ोर नहीं है। अगला प्रश्न है, RBI बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना आय की पहचान पर संपत्तियों के वर्गीकरण नियम पालन न करने के लिए लगाया? ए SBI, बी ICICI, सी IDBI, डी एयरटेल पेमेंट बैंक। ये लगाया है सी IDBI बैंक पर। अगला प्रश्न है, अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ए 12 अप्रैल, बी 13 अप्रैल, सी 21 अप्रैल, या डी 14 अप्रैल? ये मनाई जाती है डी 14 अप्रैल को मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 में 1891 में अंबेडकर जी का जन्म महू इंदौर जिला मध्य प्रदेश में हुआ था, इसीलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। और अंबेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे और संविधान निर्माता थे। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा ट्रस्ट कोष की शुरुआत किसने की? ए WHO ने, बी UNO ने, सी यूनेस्को ने, या यूनिसेफ ने? ये की है यूएनओ, इसीलिए इसका ऑप्शन सही है बी, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी बिजली बस सेवा कहाँ स्टार्ट की गई? ए राजस्थान और गुजरात के मध्य, या बी बांग्लादेश और म्यांमार के मध्य, या सी पेरिस और उत्तरी फ्रांस के मध्य, या इंडिया और अब पाकिस्तान के मध्य? ये की गई है सी पेरिस और उत्तरी फ्रांस के मध्य, 160 किलोमीटर के बीच चलेगी ये विद्युत बिजली बस वाली सेवा। अगला प्रश्न है, अमेरिका शोध संस्थान द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ए 135, बी 130, या सी 132, या डी 133? ये मिला है बी, 130वां स्थान मिला है भारत को। थैंक यू फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।